दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप टीम में संजू सैमसन के शामिल न होने पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से संजू सैमसन के लिए किया गया ऐसा ऐलान जिसको सुनकर पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में मच गया कोहराम। और आखिरकार संजू सैमसन के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने क्या ऐलान किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम का ऐलान कुछ दिनों पहले ही हो चुका है, लेकिन इस टीम में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट जगत में काफी ज्यादा दुख का माहौल है और इसी कारण से काफी ज्यादा लोग नाखुश भी हैं भारतीय चयनकर्ताओं से। लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं को जो टीम चुननी थी उसका ऐलान तो हो चुका है, और जब अब भारतीय टीम में ऋषभ पंत और संजू सैमसन के बीच में कंपटीशन को पूरी तरीके से बीसीसीआई ने अलग कर दिया है और अब ऋषभ पंत को फर्स्ट चॉइस के रूप में शामिल किया गया, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन के ऊपर काफी ज्यादा निगाहें थी, लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब सिर्फ उन्हें अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने का मौका देने की बात कही है, जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने इसका विरोध किया है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने संजू सैमसन को लेकर सनसनीखेज ऐलान भी किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने कहा है कि भारतीय चयनकर्ताओं ने संजू सैमसन को वर्ल्ड कप टीम में शामिल ना करके बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन हम उस खिलाड़ी की काबिलियत को जानते हैं और हम संजू सैमसन के खेल की कद्र कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि संजू सैमसन कैसे खिलाड़ी हैं और वो किस तरीके से कुछ ही पलों के अंदर मुकाबले को पलटने का दम रखते हैं। तो वहीं संजू सैमसन ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले एशिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, क्योंकि एशिया में और कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की उछाल वाली पिचों पर तरह तरह के शॉट ला सकता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से शॉट लगाने की क्षमता संजू सैमसन के पास है और संजू सैमसन चाहें तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उन्हें हमेशा के लिए जब तक उनका मन करे तब तक पाकिस्तानी टीम में शामिल करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।